प्रिय छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 20 हम आज अध्ययन करेंगे विक्रय प्रवर्तन विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय एवं जनसंपर्क। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर विक्रय प्रवर्तन क्या है। तो सामान्य तौर पर जो है एक व्यापारी के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, उत्पादन के प्रचार प्रसार के लिए, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करता है, और ये प्रयास सारे इसलिए होते हैं कि उपभोक्ता उसकी वस्तु को शीघ्रता से तेजी से खरीदे। तो विक्रय प्रवर्तन जो है विक्रय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो आपके विक्रय प्रवर्तन से जुड़े हुए प्रयास कहलाते हैं। यहाँ पर विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन एवं प्रचार के अतिरिक्त उन विपणन क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ता क्रय एवं व्यापारियों के प्रभाव को उत्तेजित करता है। तो यहाँ पर जो है विक्रय प्रवर्तन में जो है व्यक्तिगत विक्रय, वस्तु का विज्ञापन करना, प्रचार प्रसार करना, इसके अलावा और भी जो अन्य विपणन क्रियाएं हैं जो बाजार में जिसमें हम वस्तु को शीघ्रता से बेच सकें, वो सारे प्रयास जो हैं जिनसे उपभोक्ता जो है वो क्या हो, वस्तु को खरीदने के लिए उत्तेजित हो, वो विक्रय प्रवर्तन कहलाते हैं। तो इसमें जैसे वस्तु प्रदर्शन करना, वस्तु के बारे में जानकारी देना, प्रदर्शनी लगाना, मुफ्त में नमूने बांटना, सैंपलिंग बांटना, कूपन वगैरह निकालना और विविध सामान्य दशा में ना किए जाने वाले प्रयास आदि। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर कि जो एक बिक्री की जो सामान्य स्थिति रहती है, जब बिक्री यदि पर्याप्त है तो उस समय ये प्रयास नहीं किए जाते, लेकिन जब बाजार में बिक्री कम हो जाती है तब उसके लिए जो ये प्रयास किए जाते हैं वो विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत किए गए प्रयास कहलाते हैं। इस प्रकार से विक्रय प्रवर्तन जो है विपणन मिश्र का क्या है, एक सहायक तत्व होता है। ये विपणन मिश्र के अंतर्गत विक्रय प्रवर्तन की जो प्रक्रिया है उसके एक सहायक तत्व के रूप में काम करते हैं। परिभाषा दी है जॉर्ज डब्ल्यू के अनुसार, विक्रय प्रवर्तन विक्रय कार्य की दिशा में एक संगठित प्रयास है। मतलब माल को तेजी से बेचने की दिशा में किया गया एक सामूहिक क्या है, प्रयास है, जिसका उद्देश्य क्या है, विज्ञापन में सर्वाधिक प्रभावशीलता प्राप्त करना और विक्रयकर्ताओं की सहायता करना। इसका उद्देश्य क्या है विक्रय प्रवर्तन का, कि वस्तु को का प्रचार प्रसार इतना अधिक करना ताकि वो प्रचार प्रसार जो है वो विक्रयकर्ताओं के लिए एक सहयोग के रूप में कार्य करे और विक्रयकर्ताओं के द्वारा जो वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है वो तेजी से हो। इस प्रकार से विक्रय प्रवर्तन के माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं के प्रति ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है व क्रय करने हेतु उन्हें उत्तेजित किया जाता है। इस प्रकार से जो विक्रय प्रवर्तन है ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उनको खरीदने के लिए, उनका उपभोग करने के लिए उन्हें तेजी से आकर्षित करना और उन्हें उत्तेजित करना जो है ये विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित है। अब इसके जो उद्देश्य हैं विक्रय प्रवर्तन के, नंबर एक, नए उत्पाद के बाजार में प्रवेश को सहायता पहुंचाना। जब एक उत्पादनकर्ता के द्वारा जब कोई नया प्रोडक्शन बाजार में लॉन्च किया जाता, प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, तो उस स्थिति में उसका जो प्रचार प्रसार है ग्राहकों तक कैसे पहुंचे, ग्राहक कैसे उस वस्तु के बारे में जाने, ये विक्रय प्रवर्तन के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, ग्राहकों को स्थायी ग्राहक बनाकर उन्हें अधिक क्रय हेतु प्रोत्साहित करना, अधिक से अधिक जानकारी वस्तु के बारे में समय समय पर उन्हें पहुँचाकर उन्हें लगातार अपना ग्राहक बनाए रखना, ये जो है प्रवर्तन के अंतर्गत है। फिर नए उपभोक्ताओं व मध्यस्थ जैसे थोक व फुटकर विक्रेताओं को अधिकाधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करना, नए नए उपभोक्ता जो हैं वो माल को खरीदें, साथ ही थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी जो है अधिकाधिक मात्रा में क्वांटिटी में उपभोक्ताओं को माल बेचें, इसके लिए वो प्रेरित करता है। फिर विशेष समय पर विक्रय में आई कमी को दूर करना, ऑफ सीजन जिसको हम बोलते हैं, ऑफ सीजन में यहाँ पर ऑफ सीजन में जब हम माल की बिक्री कम होती है तब उस समय जो है विक्रय प्रवर्तन का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर जो है बिक्री को तेजी से बढ़ाने के लिए। फिर प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक उपक्रमों की विक्रय प्रवर्तन नीतियों के मुकाबले
कार्यवाही करना। यहाँ पर जो है जो भी उस उपक्रम के समकक्ष उत्पादनकर्ता जो हैं उनसे मुकाबला करने के लिए, अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को बाजार में शीघ्रता से बेचने के लिए तरह तरह के प्रयास और प्रलोभन उपभोक्ताओं को दिए जाते हैं। फिर व्यक्तिगत विक्रय व विज्ञापन के माध्यम से संबंध समन्वय स्थापित करना और विक्रय कार्यक्रम बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना, ये विक्रय प्रवर्तन के क्या हैं उद्देश्य। अब इसकी जो विधियां हैं, नंबर एक, इसके अंतर्गत तो उपभोक्ताओं, व्यापारियों एवं विक्रयकर्ताओं के प्रति प्रवर्तन स्तर पर विभिन्न विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। तो विक्रय प्रवर्तन की जो विधि है दो स्तर पर उपयोग की जाती है, एक उपभोक्ता के स्तर पर और दूसरा व्यापारियों और विक्रयकर्ताओं के संबंध में। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि विक्रय प्रवर्तन की जो विधियाँ हैं वो उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ताओं के स्तर पर किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। निर्माता जो है उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, जिससे वह उपभोक्ताओं को विभिन्न माध्यमों से उत्पाद के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें नंबर एक है नमूना बांटना, सैम्पलिंग। आमतौर पर हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए यदि चाय पत्ती कोई नई बाजार में लॉन्च हुई या कोई किसी भी प्रकार के छोटे मोटे नए प्रोडक्ट जो बाजार में लॉन्च होते हैं वो घर घर जाकर उनके उपयोग के बारे में बताते हैं और एक सैंपल के तौर पर उसका एक छोटा सा नमूना जो है वो फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। तो ये भी एक विक्रय प्रवर्तन का उपभोक्ता के लेवल पर माध्यम है, नमूने बांटना। फिर दूसरा किस्तों में कमी, इसके अंतर्गत जो उपभोक्ताओं को एक निश्चित समय अवधि में वस्तु सामान्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि विभिन्न त्योहारों में या कोई विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार की छूट का ऑफर यहाँ पर उत्पादनकर्ता के द्वारा किया जाता है और उसमें यह भी टाइम लिमिट भी देते हैं कि इस स्थिति से इस स्थिति तक खरीदने पर जो है आपको ये वस्तु इतनी कम कीमत पर प्राप्त होगी। तो यदि मान लीजिए वो वस्तु 100 रुपए की है, यहाँ पर उदाहरण उनको दिया जाता है कि आप यदि इसको 31 तारीख तक खरीदते हैं तो ये वस्तु आपको 80 रुपए में प्राप्त होगी। तो कीमतों में कमी के माध्यम से जो है यहाँ पर बिक्री को बढ़ाया जाता है। इससे क्या है उपभोक्ता क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और बाजार में जो है प्रतिस्पर्धा शक्ति जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता स्तर पर जैसे नमूने बांटना, कीमतों में कमी करना, इसके बाद अधिक मात्रा योजना। आमतौर पर हम देखते हैं साबुन के पैकेट में जब हम देखते हैं या किसी भी प्रकार का ऑयल वगैरह हम खरीदते हैं तो कोकोनट ऑयल वगैरह, उसमें हम देखते हैं कि 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु जिस कीमत पर जितनी मात्रा में अभी तक दी जा रही थी वो वस्तु उतनी ही कीमत पर उससे अधिक मात्रा में अब आपको प्रदान की जा रही। तो आमतौर पर हम देखते हैं जैसे साबुन का पैकेट है, यदि उसमें साबुन में देखते हैं कि साबुन का जो साइज पहले 10 रुपए का था, अब वो साइज जो है वो बढ़ के थोड़ा उससे बड़ा हो गया, लेकिन उसकी कीमत जो पहले 10 रुपए थी वो अभी भी 10 रुपए है। तो ये अधिक मात्रा योजना कहलाती है। इसमें उत्पाद को पूर्ववत कीमत पर ही वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्रदान कर उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित किया जाता है। इसके अलावा प्रीमियम, आमतौर पर हम देखते हैं जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उसके साथ हमें कुछ गिफ्ट स्वरूप जो है वस्तु के साथ फ्री ऑफ कास्ट वो दी जाती है। जैसे कि यदि चाय पत्ती के साथ चम्मच या गिलास जो है उसमें अटैच करके भी देते हैं या अलग से भी देते हैं, तो ये प्रीमियम है। तो वस्तु को खरीदने पर उपहार स्वरूप कुछ अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, इसका प्रयोग भी जो है ऑफ सीजन बिक्री को बढ़ाना होता है। तो प्रीमियम के तो से आशय यहाँ पर है कि यह है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो गिफ्ट या उपहार स्वरूप जो है कुछ और अन्य उपयोगी वस्तु हमें उस वस्तु के साथ फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है, तो वो प्रीमियम। इसके अलावा कूपन, तेजी से बिक्री बढ़ाने की दिशा में कूपन भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उसके साथ जो है विक्रेता हमें एक कूपन देता है और कूपन खर्चने से जो है उसमें जो भी इनाम दर्ज होता है वो हमें दिया जाता है, या तो कुछ परसेंट ऑफ का रहता है या कुछ नगद राशि रहती है या कोई विशिष्ट प्रकार की वस्तु जो हमें उपहार में मिलेगी, तो ये कूपन के अंतर्गत। तो इसमें जो है वस्तु खरीदने पर कूपन दिया जाता है जो विशेष छूट के लिए अथवा ड्रा के द्वारा इनाम दिया जाता है। फिर इसके बाद मूल्य वापसी, यदि कोई वस्तु उपयोगकर्ता को पसंद नहीं आती, संतुष्ट नहीं होता उसकी उपयोगिता से,
तो यहां पर जो है मूल्य वापसी की सुविधा उत्पादनकर्ता उसको या व्यापारी उसको देता है, या फिर वस्तु को वापस करके दूसरी बदलकर दूसरी वस्तु देने की गारंटी यहाँ पर वो देता है। तो मूल्य वापसी या वस्तु की वापसी की यहाँ पर गारंटी भी उत्पादनकर्ता के द्वारा जो है व्यापारी के द्वारा उपभोक्ता को दी जाती है। फिर ट्रेडिंग स्टाम्प, इसमें जो है बड़ी खरीदारी पर निश्चित फुटकर दुकानों पर छूट प्रदान की जाती है। जैसे आमतौर पर हम सेल्स वगैरह में देखते हैं कि वहां पर लिखा होता है कि 2000 रुपए की खरीदी पर जो है 200 रुपए की अतिरिक्त छूट या 500 रुपए की अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी। तो ये ट्रेडिंग स्टाम्प कहलाता है। जब हम बड़ी मात्रा में या बड़ी ज्यादा कीमत पर कीमत के जो है माल को जब हम खरीदते हैं तो यहाँ पर जो है हमें विशेष और आगामी खरीद के लिए छूट दी जाती है वो ट्रेडिंग स्टाम्प के अंतर्गत। इससे क्या होता है, उपभोक्ता उसी दुकान से क्रय करने हेतु प्रेरित होता है जहां से उसको ये लाभ प्राप्त होता है। फिर प्रदर्शनी के साथ बिक्री, इसमें उत्पाद की विशेषताओं को प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जाता है व खरीदने पर निर्धारित कीमतों पर छूट भी दी जाती है। यहाँ पर जो सेल वगैरह लगाई जाती है, प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाती है और उसमें जो है सामानों को सजा संवार कर रखा जाता है और वहाँ पर जो है निर्धारित कीमत पर छूट भी दी जाती है। तो प्रदर्शनी के साथ बिक्री, तो ये उपभोक्ता स्तर पर जो है विक्रय प्रवर्तन की विधि। फिर अब दूसरी जो है व्यापारिक स्तर पर व्यापारियों के लिए उत्पादनकर्ता के द्वारा किस प्रकार से बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं ये हम देखेंगे। इसमें निर्माता व्यापारियों को विक्रय संवर्धन के लिए निम्न विधियाँ प्रयोग में लाते हैं। व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए जो है यहाँ पर उत्पादनकर्ता जो है ये विधियाँ जो उपयोग में लाते हैं। नंबर एक, वस्तु प्रदर्शन। यहाँ पर जो उत्पादनकर्ता जो है उत्पाद को शोकेस में रखता है, वह उत्पाद को आकर्षक ढंग से महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु के प्रदर्शन की लागत कंपनी द्वारा की जाती है। तो वस्तु प्रदर्शन के द्वारा जो है व्यापारियों को विक्रेताओं को पूर्ण डिटेल के साथ उन्हें जानकारी दी जाती है, उसका प्रदर्शन करके बताया जाता है किस प्रकार से ये वस्तु उपयोगी है, किस प्रकार से ये वर्किंग में आती है। ये सारी जो है उससे जुड़े हुए तमाम जो भी टेक्निकल बिंदु हैं वो सब उत्पादनकर्ता के द्वारा उनको बताए जाते हैं। फिर विशेष प्रदर्शन, इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन किया जाता है, जैसे चाय की पत्ती या कॉफी का प्रयोग करके दिखाया जाता है कि इसकी लागत निर्माता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। डायरेक्ट यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जाता है उपभोक्ता के सामने, यहाँ पर जो है व्यापारियों के समक्ष कि ये वस्तु किस प्रकार की वस्तु है, इसका उपयोग किस प्रकार का है, ये डायरेक्ट प्रदर्शन करके बताया जाता है, विशेष प्रदर्शन। फिर व्यापारी प्रतियोगिता, उत्पादनकर्ता जो है अपने क्रेता जो व्यापारी हैं उनके बीच में आपस में कॉम्पिटिशन आयोजित करता है कि जो क्रेता व्यापारी जितना अधिक माल उनसे खरीदेगा और जितना अधिक माल वो बेचेगा उनको जो है उत्पादनकर्ता के द्वारा अलग से नगद इनाम या विशिष्ट प्रकार के जो इनाम या पुरस्कार दिए जाएंगे। तो कंपनी व्यापारियों के मध्य वस्तु विक्रय की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, लक्ष्य की प्राप्ति वाले व्यापारी को इनाम दिया जाता है। इससे व्यापारी जो है अधिक से अधिक विक्रय के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो व्यापारिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। फिर व्यापारिक छूटें, इसके अंतर्गत जो है कंपनी द्वारा व्यापारियों को कीमतों में विभिन्न प्रकार की छूटें प्रदान की जाती हैं यदि वह एक निश्चित मात्रा में अधिक वस्तु का क्रय करता है। यदि एक जो उनके द्वारा क्वांटिटी निर्धारित की गई कि जो भी व्यापारी इतनी क्वांटिटी में इतनी कीमत का माल खरीदेगा तो उसको जो है इतने प्रतिशत छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो ये विभिन्न प्रकार की जो है विशिष्ट व्यापारिक छूटें जो कि एक निश्चित कीमत का माल खरीदने पर व्यापारियों को दी जाती हैं। फिर विज्ञापन में छूट, यदि कोई व्यापारी कंपनी निर्देश एवं मानकों के अनुसार उत्पाद का विज्ञापन करते हैं तो उससे होने वाले व्यय को पूरा अथवा उसका एक भाग कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। यहाँ विज्ञापन में जो भी छूट दी जाती है से आशय यहाँ पर यह है कि यदि यहाँ पर व्यापारी के द्वारा कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए, उत्पादन के प्रचार प्रसार के लिए जो भी विज्ञापन एडवर्टीजमेंट उसके द्वारा किया जा रहा है उसकी पूर्ति जो है कंपनी के द्वारा या उसका एक भाग कंपनी के द्वारा किया जाएगा। फिर प्रीमियम, यहाँ जो है निर्माता व्यापारियों को अतिरिक्त विक्रय या विशिष्ट उत्पाद के विक्रय पर पुरस्कार, इनाम के साथ विदेश यात्रा की सुविधा आदि प्रदान करता है।
इससे जो है विशिष्ट उत्पाद को क्या होता है, प्रोत्साहन प्राप्त होता है। प्रीमियम से आशा यहाँ पर यह है कि अधिक से अधिक मात्रा में जो है क्रेता व्यापारी माल को खरीदें और अधिक से अधिक मात्रा में माल को बेचें, ताकि जो है यहाँ पर उत्पादनकर्ता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इस स्थिति में वो उनके बीच में उन्हें जो है आकर्षित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए उन्हें के जो है पुरस्कार वगैरह देता है, इनाम वगैरह देता है, और भी जो विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सुविधाएं जो हैं यहाँ पर क्रेता व्यापारियों को कंपनी के द्वारा या उत्पादनकर्ता के द्वारा प्रदान की जाती है। तो विक्रय प्रवर्तन की जो है व्यापारियों के प्रति जो है सेवाएँ, यहाँ विक्रय प्रवर्तन की जो सीमाएँ हैं, नंबर एक, विक्रय प्रवर्तन नीति एक अल्पकालीन साधन होती है, अर्थात इसमें बिक्री को थोड़े समय तक ही बढ़ाना संभव होता है। केवल विक्रय प्रवर्तन कुछ नहीं कर सकता। एक वस्तु का यदि हम कितना भी विज्ञापन करें, कितना भी प्रचार प्रसार करें, तो एक वो निश्चित समय तक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन जब ग्राहक उस वस्तु का उपयोग करता है और उसको प्रॉपरली संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय पश्चात वो वस्तु का उत्पाद उपभोग करना बंद कर देता है। तो विक्रय प्रवर्तन जो है ये एक अल्पकालीन साधन है। कुछ समय के लिए हम क्रेता व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, वो निर्भर करता है वस्तु की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पर ही। फिर विपणन त्रुटियां, जैसे खराब पैकेजिंग यदि हो, अनुपयुक्त आकार जो उचित नहीं है, परिवहन कठिनाइयां आदि होने से विक्रय प्रवर्तन उसे ठीक नहीं कर सकता। कितने ही बेहतर आप माल को बेचने संबंधी नीति नियोजन तैयार कर रहे हैं, लेकिन यदि उसकी बेहतर पैकेजिंग नहीं है, आकार उसका जो है वो यदि बेहतर नहीं है, लाने ले जाने में यदि सुविधाजनक नहीं है, परिवहन में उसको लाने ले जाने में परेशानी हो रही, ऐसी स्थिति में यहाँ पर विक्रय प्रवर्तन जो है कोई भी कार्य नहीं कर सकता। फिर विक्रय प्रवर्तन जो कुछ समय के लिए उत्पाद की बिक्री में गिरावट को रोक सकता है, परंतु यदि वस्तु में ही कमियाँ हैं तो विक्रय प्रवर्तन के द्वारा उसे निरंतर बनाए रखा जा सकता है। यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए उत्पाद की जो है गिरावट, उत्पादन जो कुछ समय के लिए यदि ब्रेक हो रहा तो उसको ब्रेक कर लेता है विक्रय प्रवर्तन, और यदि वस्तु में ही कोई कमी है तो विक्रय प्रवर्तन के द्वारा जो है उसे हम निरंतर बनाए रख सकते हैं। फिर बार बार विक्रय प्रवर्तन का सहारा लेने से जो है उत्पाद की छवि क्या है, प्रभावित होती है। बार बार यदि हम किसी वस्तु का विज्ञापन करते हैं, उसमें वो क्वालिटी या वो गुण प्राप्त नहीं होता, तो इससे जो है विक्रय प्रवर्तन का सहारा जो है लंबे समय तक हम नहीं ले सकते। तो बार बार विक्रय प्रवर्तन का सहारा लेने से क्या होता है, उत्पादक के मन में एक ये भाव आता है कि ऐसा लगने लगता है कि शायद उत्पाद जो है अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है, अथवा मूल्य जो है उपयोगिता के अनुसार नहीं है, तभी उस वस्तु का जो है इतना प्रचार प्रसार उसको किया जा रहा है कि उपभोक्ता जो है उस वस्तु को खरीदे। तो ये विक्रय प्रवर्तन की जो है प्रमुख सीमाएँ हैं। अभ्यास प्रश्न, विक्रय संवर्धन या प्रवर्तन से आशय स्पष्ट कीजिए, परिभाषा दीजिए, विक्रय प्रवर्तन के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए, और उपभोक्ता के स्तर पर विक्रय प्रवर्तन की विधि को समझाइए, और व्यापारिक स्तर पर विक्रय प्रवर्तन की विधि को समझाइए, फिर विक्रय प्रवर्तन की प्रमुख सीमाओं को समझाइए।